हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी साइट में एक नया स्टेटमेंट ऐड हो चुका है जो कि आरसीएम से रिलेटेड है। अब आप जब अगस्त मंथ की 3B फाइल करेंगे तो उसमें जब आप आरसीएम से रिलेटेड फिगर्स डालेंगे, आरसीएम की लाइबिलिटी पे करने की या आरसीएम क्लेम करने की, अब उसको स्टेटमेंट द्वारा देखा जाएगा कि आप जो लाइबिलिटी पे कर रहे हैं आरसीएम की, उतना ही आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं कि नहीं। ये कैसे वर्क होगा? और अगस्त के पहले के जितने भी आरसीएम के फिगर्स हैं, इन टर्म्स ऑफ आपको पे करना है या फिर आईटीसी क्लेम करना है, उसको आप कैसे करोगे, ये हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीएम लाइबिलिटी ऑब्लिक आईटीसी स्टेटमेंट। रिसेंटली जो 3B में चेंजेस लेकर आए थे, उसमें ये था कि अब आपको जो आईटीसी से रिलेटेड फिगर्स जब हम डालते हैं टेबल नंबर 4A में एंड जो बाकी कॉलम 4B में, वो सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा रहा है। स्पेशली 4B से रिलेटेड जब हम रिवर्सल की बात करते हैं, आप जितना भी टेम्पररी रिवर्सल कर रहे हैं उसका एक अलग ही स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है। तो आप जितना भी टेम्पररी रिवर्सल कर रहे हैं और उसको रिक्लेम कर रहे हैं, इसको ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग ही स्टेटमेंट है। अब नया स्टेटमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है, वो है आरसीएम लाइबिलिटी स्टेटमेंट, जो कि अगस्त 2024 ऑनवर्ड्स अवेलेबल रहेगा। जो भी आप अगस्त जीएसटी या 3B में फिगर्स डालेंगे इन टर्म्स ऑफ आरसीएम, आरसीएम के फिगर्स कहाँ कहाँ डलते हैं? एक तो डलता है टेबल 3.1D में, जो कि लाइबिलिटी से रिलेटेड है। पहले हम आरसीएम की लाइबिलिटी पे करते हैं और जितना पे किया है उतना हम आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। तो क्लेम करने का जो टेबल है वो है टेबल 4A2 एंड 4A3। ये जीएसटी 3B में आपको मिलेगा। तो अब आप जो भी फिगर टेबल 3.1D में डालेंगे एंड टेबल 4A2 एंड 4A3 में डालेंगे, वो एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। बात आती है कि अगस्त के पहले की जो सिचुएशन है, इनने तीन सिचुएशन में डाला हुआ है। एक सिचुएशन ये बनेगी कि आपने आरसीएम की लाइबिलिटी ज्यादा पे कर दी है, अब आपने ज्यादा पे कर दी है और अब आपको आईटीसी लेना है, आईटीसी आप ले नहीं पाए हैं, उसका पे तो कर दिया है बट आईटीसी ले नहीं पाए हैं। तो इस केस में जो ओपनिंग बैलेंस इस स्टेटमेंट आरसीएम स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस हमें खुद डालना है, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस आप पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, क्योंकि ये जो आरसीएम लाइबिलिटी है ये आईटीसी को ट्रैक रिकॉर्ड करेगा, आईटीसी वाले अमाउंट को। तो अगर आपने एक्सेस आरसीएम पे कर दिया है, लाइबिलिटी डिक्लेयर कर दिए टेबल 3.1D में पहले, और आईटीसी आपने उसका क्लेम नहीं करा है, ही हैजंट अवेल्ड करस्पॉन्डिंग आईटीसी थ्रू टेबल 4A2 और 4A3, तो इस केस में आप पॉजिटिव वैल्यू फिल करेंगे इन ओपनिंग बैलेंस इन आरसीएम स्टेटमेंट। वैसे ही इसका अपोजिट सिचुएशन है, दैट मींस कि आपने एक्सेस आरसीएम क्लेम कर दिया है, आपने पे तो उतना नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आपने आरसीएम की लाइबिलिटी पे करी है, बट आपने जो आईटीसी आरसीएम से रिलेटेड क्लेम किया है वो 200 रुपीज है, तो 100 रुपीज का एक्सेस है। इन दिस केस आप क्या करेंगे? आपने उसको अभी तक पे नहीं किया है, तो आपको पे करने के लिए आपको नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी, 100 नेगेटिव, कौन से स्टेटमेंट में? आरसीएम स्टेटमेंट के ओपनिंग बैलेंस में। और उसके बाद जब आप अगस्त 3B में टेबल 3.1D के थ्रू ये लाइबिलिटी पे करेंगे तो ये स्टेटमेंट जीरो हो जाएगा। अब थर्ड सिचुएशन आती है कि इन केस टैक्स पेयर नीड टू रिक्लेम द आरसीएम आईटीसी, दैट मींस कि आपने ना पहले अगस्त के पहले वाले टैक्स पीरियड में रिवर्स कर दिया था आरसीएम आईटीसी, अब आपको रिक्लेम करना होगा अगस्त ऑनवर्ड्स, कोई भी टैक्स पीरियड में आपको रिक्लेम करना होगा आईटीसी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप जो रिक्लेम करेंगे, रिक्लेम करने के लिए आपको जो आरसीएम आईटीसी है उसको टेबल 4A5 में डालना पड़ेगा। जब हम 3B की बात करते हैं तो रिक्लेम करने के लिए हमें 4A5 में डालना पड़ेगा फिगर, और डी जो हम यूजुअली डी में डालते हैं उसमें डालेंगे 4D में, बट यहाँ पर बोल रहे हैं कि टेबल 4A5 में आपको डालना है।
प्लीज नोट दैट आरसीएम आईटीसी शैल नॉट बी रिक्लेम थ्रू 482 483. 482 483 क्या है? आईटीसी इन टर्म्स ऑफ आरसीएम. तो जब हम रिक्लेम की बात कर रहे हैं तो ये दो टेबल्स यूज नहीं होंगी. 482 483 कहाँ पर हम रिक्लेम कर सकते हैं? 485 में, जो कि ऑल अदर आईटीसी की बात करता है. सच आरसीएम रिवर्सल नीड नॉट बी रिपोर्टेड एज आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस. आपको ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है. तो यहाँ हम ओपनिंग बैलेंस किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? आईटीसी आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट की. अब ये कब तक का टाइम पीरियड है आपको रिपोर्ट करने का? तो टाइम तो आपको अक्टूबर तक का है कि अक्टूबर तक आप ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट कर सकते हो. बट ओपनिंग बैलेंस कब तक? तो जुलाई 2024 तक का जो टैक्स पीरियड है, तब तक आपके अगर कोई भी आरसीएम आईटीसी रह गया है लेने का या आरसीएम पे करने का रह गया है जुलाई 2024 तक, अगर आप मंथली फाइलर्स हैं. क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो Q1 अप्रैल से जून तक का जो पीरियड है, इस पीरियड तक कोई भी आरसीएम आईटीसी रह गया है क्लेम करने के लिए या आरसीएम पे करने के लिए रह गया है, तो आपके पास समय है अक्टूबर तक का. 31 अक्टूबर आप ओपनिंग बैलेंस डिक्लेयर कर दीजिए. एंड कुछ गलत डिक्लेयर हो जाता है तो आप अमेंड कर सकते हैं 30 नवंबर तक. अब हम लॉग इन करके देखते हैं. जब आप लॉग इन करेंगे जीएसटी पोर्टल में, तो यहाँ पर आपको लेजर सर्विसेज में, लेजर में आरसीएम लाइबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट दिख जाएगा. ये नया स्टेटमेंट ऐड हुआ है. और यहाँ पर भी आपको नोट में बताया गया है कि पॉजिटिव आरसीएम लाइबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट बैलेंस इंडिकेट दैट यू हैव पेड द आरसीएम लाइबिलिटी इन टेबल 3.1D बट हैव नॉट येट क्लेम द आरसीएम अगेंस्ट इट इन टेबल 482 और 483. मतलब आपने आरसीएम लाइबिलिटी पे कर दिया बट आप अभी आईटीसी क्लेम करेंगे. वैसे ही नेगेटिव आरसीएम लाइबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट में बैलेंस है तो वो ये डिनोट करेगा कि आपने एक्सेस क्लेम कर दिया है टेबल 482 483 में. अभी आप जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करोगे टेबल 3.1D से. तो ये नोट आपको और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहाँ मिल जाएगा. रिपोर्ट करने के लिए आपको रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अमाउंट रिपोर्ट करना है. कुछ अमेंडमेंट है तो उसके लिए भी समय है नवंबर तक का. अब हम 3B में देखते हैं कि ये जो बातें चल रही हैं वो एक्चुअली है क्या. देखिए जब हम जीएसटी 3B ओपन करते हैं तो 3.1 एक टेबल है और टेबल 4 है. 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज है. मतलब आरसीएम जब हमें पे करना होता है, पहले पे करेंगे उसके बाद आईटीसी क्लेम करेंगे. तो 3.1 जो ये डी बार बार कह रहे हैं ना, वो ये है इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू आरसीएम. यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करके पे करना पड़ता है आरसीएम का. तो ये भी ट्रैक करेगा स्टेटमेंट. और टेबल 4 की हम बात करें तो 4 में टेबल 4A 3 एंड 4, 3 जो है वो है इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू आरसीएम अदर देन 1 एंड 2. तो जो ये रिवर्स चार्ज के ऊपर हम इन आईटीसी लेते हैं उसको हम नंबर थ्री पॉइंट में बताते हैं. और इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, अगर आईएसडी से इनवर्ट सप्लाई है उसके ऊपर कोई आरसीएम है तो 4 में दिखाते हैं. तो इसलिए 3 एंड 4 बार बार यूज हो रहा है. तो आपकी जो 3 सिचुएशन बताई गई है वो उसमें से फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन तो क्लियर है. फर्स्ट है जब आपने पे कर दिया है बट क्लेम नहीं किया है, तो उस केस में आप पॉजिटिव वैल्यू फिल करेंगे ओपनिंग बैलेंस में. सेकंड सिचुएशन है कि आपने पे तो पे कम किया है और क्लेम ज्यादा कर दिया आईटीसी, तो इस केस में क्या है आपको नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस में. थर्ड सिचुएशन थी कि आपको रिक्लेम करना है आईटीसी. आपने पहले रिवर्स कर दिया था आईटीसी आरसीएम से रिलेटेड, अब आप रिक्लेम कर रहे हो. तो रिक्लेम में उन्होंने बताया कि आप 3 और 4 में फिगर नहीं डालोगे. आप कहाँ पर डालोगे रिक्लेम करने के लिए? इस वाले कॉलम, 5 वाले कॉलम में, ऑल अदर आईटीसी में आप अमाउंट डालोगे और रिक्लेम करोगे आईटीसी इन टर्म्स ऑफ आरसीएम. मतलब आरसीएम में जो आईटीसी हम क्लेम करेंगे वो 5th पॉइंट में डालेंगे. तो जब आप 5th पॉइंट में डालोगे दैट्स वाई आप ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं डालने वाले हैं.
तो ये एक नया स्टेटमेंट है जो आप लेजर्स में जाके देख सकते हैं। इससे पहले एक और लेजर इंट्रोड्यूस हुआ था, वो था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। ये रिवर्सल और रिक्लेम का ये मतलब है कि जब हम रिवर्स करते हैं अदर्स में, टेम्पररी रिवर्सल, उसको हम फिर उसके बाद रिक्लेम करते हैं। रिक्लेम करने के लिए अगेन आपको 5 में डालना पड़ता है और D1 में डालना पड़ता है। इसके लिए भी स्टेटमेंट बना हुआ है, ये भी स्टेटमेंट ट्रैक करता है कि आपने कितना रिवर्सल किया है और उसको कितना रिक्लेम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई अब 3B जो आप फाइल कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से फाइल करना है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अभी भी कई लोग क्या है, गलती कर रहे हैं, यहाँ पर अमाउंट मॉडिफाई कर देते हैं 5 वाली टेबल पे, जबकि ऐसा नहीं करना है। 5 को मॉडिफाई नहीं करना, आपको कोई भी रिवर्सल्स हैं उसको 1 और 2 में बताना है। खैर, मैंने 3B कैसे फाइल करना है जुलाई 22 ऑनवर्ड्स, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया था। कोई अभी भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, मैं अगेन वीडियो बना दूंगी, जैसे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।